बोले ये वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत मस्त हो गए अपनी लाइफ में। द थिंग इज कि आज हम लोगों की मेरी सुबह बहुत ही एनर्जेटिक हुई। आई डोंट नो क्यों और कहाँ से वो एनर्जी आ रही थी, बट हम लोग उठे, नहीं मैं उठा एंड मैं नहाया, मैंने नाश्ता किया, थकर गोल्डी भाई के पास बैठा, थोड़ा वाइपर से बातचीत करी और फिर उसके बाद हम लोग अभी अपने केबिन में आए। ये मेरे केबिन की बालकनी है। मेरा केबिन ऐसा लगता है कुछ बाहर से, अंदर से थोड़ा सा इस तरफ से थोड़ा सा टाइडी दिखता है, लेकिन मेरे को क्या चीज़ खलती है वो ये है कि यहाँ से वो बहुत ही अनटाइडी सा दिखता है। मैंने पहले एक बैंड से जो है थोड़ा सा वायर्स बांधे थे, लेकिन मेरे को ये सब बांधना है ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से दिखे। खैर अभी हम लोग चलते हैं नीचे, बहुत देर से मैं अपने केबिन में था, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या क्या चल रहा है बाहर और अंदर। सो लेट्स गो। मिलिए 8 बिट की आन बान और शान से। आज हम ये बैठे हुए हैं इनके साथ टाउन हॉल में फॉर एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ताकि अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर सकें कि इमीडिएटली जो वो कांड हुआ था। अबे बहुत लो, एक बंदा एक मार रहा है तेरे को, जल्दी मार दे रे बे। अरे मार रे बे, ओपन में वो मार दे, मार रहा है ओपन रे बे। मैंने जो किया वो सब एक चाल थी मेरी। अब तो सच बोल दे। देखो ये तो रियलाइज कर लिया मैंने कि मैं डिजर्व तो नहीं करता, ये रियलाइज है। टू डिफिकल्ट फॉर रेबल, बट अब मतलब अपने अंदर मोटिवेशन आ गया कि मैं इतना गंदा नहीं खेलता था। मामा सच्ची बोल रहा हूँ, याद है टीडीएम में खौफ था मेरे नाम का, ये तो मानते हो? हाँ, कार 98 स्पेशलिस्ट। तो अब जब से वीजे में आया पता नहीं मैंने एक चीज रियलाइज करी, मैं बहुत ही गंदा खेल रहा हूँ। मतलब कसम से अपने आप में। कल मैं खेल रहा था मॉर्टल के साथ स्क्रिम्स, तो मॉर्टल ने बोला यार रेबल बोल रहा है खेलने के लिए। मैंने कहा ठीक है मैच में खेल लेता हूँ, उसके बाद रेबल को बुला लेना। बहुत दिल से गए थे खेलने के लिए, बट प्रेशर भी था मामा, डीमोटिवेट कर दिया था मुझे। पहले वाइपर ने किया, फिर केतन की चैट नहीं किया। मतलब मैं बहुत ही गंदा खेला हूँ, मैं बस सपने में आया मेरे। नहीं नहीं होता है, पहली बार का होता है गाइस। हमारा लड़का नीड्स मोटिवेशन, ओनली 2 EZ 4 रेबल इन द चैट होना चाहिए। और अभी मैं और रेबल प्लान कर रहे हैं BGIS रजिस्टर करने का। हाँ, तो आपको पता नहीं है, तो इस चीज़ इस चीज़ के लिए मुझे वो मोटिवेशन ज़रूर चाहिए। मिर्ची का टुकड़ा बहुत महंगा है। मैंने जोश में ज़्यादा मिर्ची डाल दिया, पानी हम तुम्हें एक नया टाइटल दिया है। टाइटल तो हमसे भाई छीन लिया हमारा, पबजी मोबाइल रीजनल चैंपियन वाला। नहीं लेकिन हम तुम्हें एक नया टाइटल दिया था कल अपनी स्ट्रीम पे। क्या? कि तुम टीम सोल का अश्वत्थामा है। क्यों? पूरा टीम मर जाता है, एक अकेला यही बचा रहता है। इट्स यू। कल क्या हुआ था इसे? आज के आज दो मैच, आज भी था कि तुम वाटर सिटी में अकेला बचा था, पूरा भसड़ चल रहा था। कल मीरामार में भी यही हुआ था, जब ओआर वाला लोग आया था तुम अकेला बचा था। तो तुम एक अकेला लौंडा है जो कि हमेशा बचता है। हमारा स्ट्रेटेजी ये होता है कि तुम बचा रहे, या तुम्हारा स्ट्रेटेजी होता है सब मर जाए? नहीं, हमारा स्ट्रेटेजी दोनों टाइम में ऐसा नहीं था। नसीब ऐसा था कि उन पे बंदे आ गए, हमारे आसपास कोई नहीं था, बच गया।
उधर भी यही हुआ कि ओआर को तो हम मार दिया एरेंगल में, उसके बाद एसजीआई अब थर्ड पार्टी में होते होते मावी भी मर गया, मॉर्टल रहेगा, तीनों थर्ड पार्टी में मरे भाई। थर्ड पार्टी जो करना है थर्ड नहीं, थर्ड भी हुआ, अंडर रेटेड फिफ्थ पार्टी भी हुआ, वही तो अंडर स्टेटमेंट है थर्ड पार्टी, मतलब पार्टी पे पार्टी हो रहा था। एसजी के पीछे वो आई जॉनी, जॉनी लोग आए और रिवेंज भी आई, पांच स्क्वाड आ गए थे। परसों भी यही हुआ था कि तुम अकेला बचा हुआ था और कल भी और आज भी। हेटर्स हेटर्स विल से कि कैम करके सरवाइव किया, बट यू नो द ट्रुथ। लेकिन गाइस हमने देखा वाइपर का गेम सुपर इंप्रूव हो गया आज। 4 किल उस भसड़ में, मतलब 20 लौंडा उस जगह पे था, उसमें आरबीएनजी को जाना पड़ा वो जगह छोड़ के। उधर ऐसा था कि वाटर सिटी एक तो पूरा पानी का है ना, अंदर वो लोग पुश कर नहीं सकते, मैं अंदर सेफ वाले स्पॉट पे जाना पड़ता है। उधर वो लोग मेरे तक पुश करने आते तो एकदम छप 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 करते आते, उतने में वो लोग को रिस्क रहता है गिर जाने का। उनको पता नहीं था कि मैं अकेला हूँ या कितने, उनको बस फायर शॉट्स फायर हुए तो वो लोग मेरी तरफ से कवर लेके आपस में भसड़ गए उधर, और मैं बीच में एक दो मजे ले लिया, बीच में एक दो किल उठा के। मेरे इसमें कमेंट किया एक बंदे ने, उसको हम पिन करके रखा है, हार्ट दे के रखा है दिखा सामने वाला, अभी इधर पता नहीं था कि सामने ज़ेरेफ है, ठीक है, मतलब इसके स्कारेल है, ठीक है, पहली बात मिड रेंज फाइट के लिए स्कारेल गुड अच्छा गन है, ठीक, रेड डॉट है, पेड़ का कवर है, इससे ज्यादा क्या मांगेगा सामने वाला बंदा, एकेएम और खुला ओपन में भाग रहा है। अब कॉल पे ध्यान दो, कॉल पे ध्यान दो, प्रबल अमन चिल्ला, अब सुनो मरेगा वैसे सुनो, मरे वैसे सुनो, इधर वो बोल रहा था 1v4 करूंगा, दिखा दू क्या बता, दिखा दू मतलब दिखा दे, तो ये यहाँ पे वो बज रहा था कि भाई मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ, दिखा दू तू बस बोल दे, दिखा दू 1v4 कर दूंगा, वही मैच के पहले बज रहा था, मैं निकल जाऊंगा, टू डिफिकल्ट फॉर रेबेल हो चुका है, फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, बोला कल फाइनली डिसीजन एक मिल गया, दो गंदा प्लेयर में से ज्यादा गंदा प्लेयर कौन है, तो रेबेल वर्सेस ज़ेरेफ, भाई रेबेल यो, ये देखने के बाद हम 2 सेकंड तक, मतलब 2 मिनट तक ऐसा था, क्या देख लिया, डेटॉल लाओ आंखों में चाटना है। गाइस डीजे सोलो इन द हाउस आज आए हैं हमारे पास, क्या हुआ हार रहे हो क्या? डीजे सोलो आजकल गाना निकल रहा है, क्यों काम चल रहा था घर पे, सोलो को अच्छा अच्छा रूम मिलेगा, लाइव जाएंगे फिर हम, लाइव जाओगे वहां से, ये गाइस लेकिन मॉर्टल के वो वाले रूम की बात थी यार, जब मॉर्टल स्ट्रीम करता था और बैकग्राउंड में वो रहता था उसका पोस्टर, क्यों रे अमन वो वहां से करेगा अभी भी वहां से, भाई गलत ही इमोशन जुड़े हुए लोगों के, हाँ अमन तुम्हारा भी ऐसा ही धासु सा एक सेटअप चाहिए तुम्हारे घर पे, करवा रहे हो कैसे हुआ? होता है डीजे होता है, बोले गाइस देखो अभी पोची जो है मॉडल का वीआर लगा के यहाँ पे बॉक्सिंग का मैच खेल रहा है, और तुम और ये क्या है? तुम ये क्या इसका पावर का इस्तेमाल गलत कर रहा है, हम लोग सीसीटीवी में देख रहे हैं गोल्डी बैग के मोबाइल में, बेवकूफ कहीं का गाइस आदि ताकि इसको फुटेज चाहिए आदि को हर चीज में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है पोची बाप कहाँ देख रहे हैं, अबे मारते मारते दीवार में भी घुस जाते हैं, वो मार खाते हैं ना तो पीछे हट जाता है, तो बॉक्सर के अंदर आना पड़ता है, अपने को इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना ये टकराएगा पक्का गिर ना जाए कटकटा रहा है Thank you.
सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं स्ट्रीम करने के लिए और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे कि आप कैसे इतनी रात तक फ्रेश रहते हो, कैसे फ्रेश रहते हो, कैसा एनर्जेटिक रहते हो। द थिंग इज कि मैं 10:30 से 2:30 बजे तक स्ट्रीम करता हूँ। सो मैं टाइमली जो है मामा अर्थ का फेस वॉश एंड सीरम्स यूज करता हूँ ताकि जो है मेरे ऊपर वो फ्रेशनेस रहे, क्योंकि अगर मैं फ्रेश नहीं दिखूंगा स्ट्रीम पे तो जनता विल नॉट एंजॉय द स्ट्रीम। इस बार मैंने मंगवाया है 10% विटामिन सी एसेंस सीरम। इसके अंदर गोटूकोला एक्सट्रैक्ट है विच हेल्प्स इन ईजिंग आउट इंसोम्निया। ये फेस के ग्लो को लेकर आता है वापस और जो स्वेलिंग होती है जो बहुत सारे लोगों को वो रिड्यूस करता है। जो वाटरी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर वो बहुत ही आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ग्लो देता है आपके स्किन को। साथ ही साथ गाइज इस बार मैंने विटामिन सी का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर भी मंगवाया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही थी। मेरे को विटामिन सी का रेंज सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि मैं पर्सनली विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश एज वेल एज बॉडी वॉश यूज करता हूँ। सो उसके लिए मैंने विटामिन सी का मॉइस्चराइजर भी मंगवाया। आप लोग ये चाहो तो आप ये ले सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट नाइका पे भी अवेलेबल है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विच इज कि ये mamaearth.in की वेबसाइट पे और mamaearth की ऐप पे अवेलेबल है एंड 20% एक्सक्लूसिव ऑफ आपको मिल सकता है ओनली ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म्स, यानी कि mamaearth.in वेबसाइट एज वेल एज एप्लीकेशन। mamaearth की एप्लीकेशन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आई विल रिकमेंड कि आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऑल्सो देर इज वन थिंग कि mamaearth का एक गुडनेस इनिशिएटिव है, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय द एंड ऑफ 2025। जब भी आप कोई परचेज करोगे वेबसाइट और एप्लीकेशन से तो दे विल लिंक योर ऑर्डर विद अ ट्री दैट दे प्लांट। उसका जियोलॉजिकल लोकेशन, उसकी स्पीशीज, हर चीज का डिटेल वहां पे अवेलेबल होगा सो दैट यू नो कि हाउ मच यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड इन वॉट वे। सो जल्दी से जाओ एंड गेट दिस फॉर योरसेल्फ। अभी अभी हम लोगों ने अपना स्ट्रीम एंड किया एंड बहुत ही फन स्ट्रीम था, बहुत ही मजा आया। ऑल दो एक भी चिकन डिनर नहीं निकला। BGMI में इतना जबरदस्त हो गया है, मतलब जिस तरीके से वो लोग होल्ड करते हैं कंपाउंड को, किसी अपार्टमेंट को, सिर्फ अपार्टमेंट फाइट्स होती हैं, रेयरली आपको कोई रिज फाइट या कुछ ओपन फाइट मिल जाएगी, बट इट इज़ ऑल फन, मज़ा आता है। एंड मोस्ट ऑफ द मैचेस में तो आपको सिर्फ चीटर्स ही मिलते हैं, हैकर्स ही मिलते हैं। 10 गेम खेल रहे हो तो उसमें 4 गेम में तो आपको चीटर मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उर्वेश को वो पिलाओ, लौकी का जूस पिलाओ, बट द थिंग इज़ कि वो आज टाइम नहीं मिला एंड उर्वेश आज घर पर नहीं था, वो कहीं काम से गया हुआ था, इस वजह से नहीं हुआ। वो जैसे ही लौट के आएगा वैसे ही हम लोग उसके साथ वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ उसने चैलेंज लिया। सो यस, उर्वेश के आते ही हम लोग वो चैलेंज करेंगे, मैं भूला नहीं हूँ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा फन था, होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। किसी भी वजह से पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, अगर नए हो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना, इट विल हेल्प मी अ लॉट। एंड ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट नहीं अच्छा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली व्लॉग में, अगली कहानी के साथ, अगले मज़े के साथ। अंटिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने घर वालों, भाई बहन और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बहुत सारा प्यार देना, बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु विल स्टे विद यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, अगली कहानी के साथ। अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय गाइस।